वाले हैं पाव भाजी, क्योंकि अभी सारे लॉकडाउन का टाइम है और सारे रेस्टोरेंट बंद है और सारे जो पाव भाजी के ठेले लगते थे सब बंद है। तो अभी सबको पसंद होता है कि हम कुछ उस तरह का खाना खाएं, तो हम मम्मियों का काम तो बढ़ा ही हुआ है, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, हेल्दी खाना कि कैसे बच्चे बुजुर्ग सबको इसको खा सके और घर में हम बनाए बहुत ही टेस्टी टेस्टी पाव भाजी। तो चलिए हम इसका इंग्रेडिएंट देखते हैं। चलिए, तो आज हमारे लगने वाले इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही सिंपल है। हमारा टमाटर है, मैंने 4 टमाटर लिए हैं जो छोटे छोटे काट लिए हैं। ये पोटैटो है जो मैंने 3 लिए हैं। ये प्याज है, ये भी मैंने छोटे 3 प्याज लिए हैं। और ये एक शिमला मिर्च है, एक छोटा पार्ट लौकी का है, और ये कैरेट है, गाजर। तो मैंने सब कुछ रॉ ही मोटे मोटे काटे हैं। और इसमें मेरा पाव भाजी मसाला है जो करीबन 1 बड़ा चम्मच है। उसी तरह से लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच, और ग्रीन चिल्ली है, और यह धनिया पत्ता है, नमक है, और यहाँ पे लगने वाले पाव है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। और आज फिर हम 2 बर्तनों को ले रहे हैं। ये हमारा सॉटे पैन है जिसमें हम सब मसाले फ्राई करेंगे, और ये हमारा सॉस पैन है जिसमें हम सारे सब्जियों को बॉयल करेंगे। तो आपने अगर इन बर्तनों के बारे में पहले से नहीं जानकारी है तो हमारी पहले पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम पहले अपने सारे गैस को ऑन करेंगे और आप सारे सब्जियों को, आपने देखा मैंने रफली चॉप किया है, एक बाउल मैंने वो भी डाला, एक बाउल शिमला मिर्च मैंने डाल दिया, फिर मैंने आलू डाल दिया। आप जितना बड़े बड़े आप महीन काटेंगे उसमें जरूरत नहीं है, आप जितने बड़े काटेंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये मैंने गाजर डाल दिया। तो करीब करीब आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने ये 3-4 सब्जियां जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी मैंने डाला है, और थोड़े से इसमें पानी मैं डाल दूंगी। आप चाहे तो हल्का सा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। और मैं इसे अभी बॉयल होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, और तब तक मैं इधर मसाले के प्रिपरेशन भी करती हूँ। ये गैस भी मैंने ऑन कर दिया है, आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल खाली है। और सबसे पहले हम इसमें अनियन डालेंगे। अनियन मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और इसके बाद हम इसे ढक देंगे। दोनों ही अभी हमारा मीडियम आंच पे है, और जब इसमें एक बबल आएगा तो हम इसको स्लो करेंगे। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, हमारे मसाले फ्राई होंगे और हमारे सब्जी भी वेजिटेबल भी सारे बॉयल होंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चले तो 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम देखेंगे कि हमारे पॉट में क्या हो रहा है। तो मैजिक इन द पॉट, देखिए अनियन पूरे फ्राई हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे, कैरामलाइज हो गए। तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। तो हम ग्रीन चिली हम बाद में इसे डालते हैं क्योंकि इसमें तेल नहीं पड़ा है, और ग्रीन चिली का स्पेशल टेस्ट आता है। और अब हम इसमें धीरे धीरे सारे मसाले डालेंगे। तो मैंने हल्दी लिया है 1/2 चम्मच, और ये टमाटर, टमाटर मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, और अब मैं डालूंगी इसमें ये करीब 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट है, और ये हमारा लाल मिर्च है, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से तीखा ले सकते हैं। और अब मैं इसे ढक करके फिर से पकने दूंगी, और हम अपने पाव भाजी मसाले को भी इसमें डालेंगे, ये भी मैंने करीब 1 स्पून लिया है। आप देख रहे हैं कि बगल में सेक हो रहा है, मींस कि सब्जी हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो हम इसे भी एक बार चेक कर लेंगे। वाव, आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलर है, इसमें कलर बरकरार रहता है, टेस्ट भी बहुत ही प्यारा हो जाता है। आप देखिए, बस थोड़े से और देर लगेंगे इसे, और मैं 2 मिनट छोड़ूंगी तो ये सारे पक जाएंगे।
तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है, नहीं तो बॉयल होने के बाद कलर चेंज हो जाता है, पर हमारे बर्तन में कलर चेंज नहीं होता क्योंकि इसका जो भाप है इसी के अंदर रह जाता है और उसी में वो सीजता है, तो इससे कलर भी नहीं चेंज होता। तो इसमें आप स्टीम करके कोई भी वेजिटेबल्स भी खाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप वेजिटेबल भी स्टीम कर सकते हैं इसमें। और अब हम थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। चलिए 5 मिनट हो गए हैं और दोनों ढक्कन डांस कर रहे हैं कि हमें खोलिए हमें खोलिए, तो अब हम देखेंगे खोल के इसके अंदर क्या हो रहा है। तो पहले हम खोलेंगे इसे। वाह, देख रहे हैं आप कितना सुंदर मसाला भून के आ गया है, कलर भी बहुत प्यारा है ना। तो अब हम देखते हैं दूसरे पॉट में क्या हो रहा है, इसे हम यहीं पे रेस्ट करने के लिए देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने सॉल्ट शायद नहीं डाला था, तो अब मैं सॉल्ट भी इसमें डाल देती हूँ। तो हम सॉल्ट डाल देंगे और इसे अभी हम थोड़े देर के लिए ढक देंगे। और अब मैं इसे देखती हूँ, वाव, ये बिल्कुल हो गए हैं, सीज गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस गैस को बंद करूंगी और इसे मैश करूंगी। तो सारे वेजिटेबल्स को आपने मैश कर देना है, और जब ये मैश हो जाएंगे तो सारे वेजिटेबल्स को हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैश हो रहे, आप मैसर से मैश कर सकते हैं। आप अगर मैश नहीं है, मैसर नहीं है आपके पास, तो आप किसी ग्लास से कर सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आप डायरेक्ट मिक्सी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जितना आपका ज़्यादा मैश होता है उतना ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। और हमेशा कोशिश करें कि इसमें कलरफुल सब्जियां जरूर ऐड करें, क्योंकि हमें कलरफुल सब्जियां खानी चाहिए। तो इसी बहाने बच्चों को हम गाजर, शिमला मिर्च और सबसे बड़ा चीज़ लौकी, लौकी बहुत लोग नहीं डालते लेकिन लौकी डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसके जगह पे चना के दाल भी डाल सकते हैं। लेकिन मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बर्तन में देख रहे हैं आप कितना जल्दी ये बॉयल हो गया, कुकर का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। कुकर में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उसका जो भाप से जो उसके अंदर का प्रेशर से निकलता है तो उसका सारा न्यूट्रिशन भी उसके साथ निकल जाता है। तो आप इसमें सारा न्यूट्रिशन इसी के साथ है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। कलर तो प्यारा है ही। तो ये सब्जियां अब मैश हो गई हैं, अब हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैजिक इन द पॉट, वाओ, आप देख रहे हैं मसाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बिल्कुल भून चुके हैं, इनका एक अलग ही अरोमा आ रहा है, मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती। तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख देती हूँ। और अब मैं इसमें ये हमारे बॉयल मैश किए हुए सब्जियों को डालूंगी। पाव भाजी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी डाल के बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही सब सब्जियों का इस्तेमाल करें। देखिए कितना सुंदर सा कलर आ रहा। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा इसको लिक्विड करने के लिए पानी भी डालेंगे। आप चाहे तो इससे भी महीन कर सकते हैं सब्जियों को, लेकिन ये थोड़ा सा दरदरा मुझे पसंद है तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसको ये करने के लिए, लाइट करने के लिए। ऐसे तो पाव भाजी में बहुत सारे बटर जाते हैं, मैं बटर खाने के लिए किसी को मना तो नहीं कर सकती, तो आप अगर चाहे तो इसमें टेस्ट अनुसार थोड़ा बटर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। उसके बाद भी आप देखेंगे इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है। तो इसको थोड़ा सा एक बॉयल आने दूंगी, बॉयल हो ही चुका है, और थोड़ा सा और गीला कर दूंगी मैं इसे। आप अपने हिसाब से आप जितना गीला खाते हैं भाजी को रख सकते हैं, अगर आपको ब्रेड में लगा के खाना है तो थोड़ा टाइट रखें, और अगर आपको उसके साथ खाना है पाव के साथ तो थोड़ा सा गीला ही लिक्विड ही बनाए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन डालूंगी, हाफ चम्मच मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार और डाल सकते हैं। और अब मैं इसे
एक मिनट के लिए ढक दूंगी। और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। चलिए दोस्तों, तो आज का डिश हमारा प्रिपेयर हो गया है और हम करेंगे इसको टेस्ट। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं खाना तो जो बना रही हूँ वो सब बना रही हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद इस बर्तन के लिए है कि आप ऐसे बर्तन को अपने किचन में लाइए और उसमें खाना बनाइए। आप चाहेंगे तो मेरे ख्याल से जीरो वाल में बनाना चाहेंगे तो दूसरे बर्तनों में वो चिपकेगा, लेकिन इसमें चिपकता नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। आप एक बार इसको अपने घर में लाइए, खाइए, बना करके आपको पसंद आएगा। और मुझे ये ज़्यादा कन्विंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा से खाना बन रहा है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे सारे रेसिपीज आते जाएंगे, आपको इस पर से फेथ बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस बर्तन को अपने घर में स्मार्ट कुकवेयर की तरह जरूर यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आप स्मार्टली कुकिंग करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। वाओ, अब हम गैस को बंद करेंगे। अब देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है, इसमें मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला है। आपको अगर इच्छा हो तो आप बटर में डाल सकते हैं, पाव को भी बटर में सेक सकते हैं और खा सकते हैं। मैंने बटर खाने के लिए किसी को मना नहीं है। लेकिन चलिए अब हम करते हैं इसका प्लेटिंग। अभी हम इसको साइड करेंगे। और जैसा मैं कहती हूँ, खाना जब भी आप करें तो जरूर उसे डेकोरेट करें प्यार से, क्योंकि आपके प्यार से बनाए हुए खाने को प्यार से सजाने से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा अनियन डालेंगे, थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालेंगे, और इस साइड में हम नींबू के स्लाइस को रखेंगे। तो अब मैं करूंगी आपके लिए ये टेस्ट। बहुत ही गर्म है दोस्तों, लेकिन मुझे आपके लिए ये टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए है, अगर काश मैं आपको खिला पाती। बहुत ही गर्म है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।